नमस्ते सदा वसले मातृभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ज्ञान बापी के। बड़े खुश थे लोग, शुक्रवार के दिन का केस था और शुक्रवार को लंबे समय से एक पिटीशन पड़ी हुई थी। हालांकि उससे पहले मैं आपको इच्छा ज्ञान में दिला दूं कि उससे पहले शिवलिंग वाले हिस्से को साइंटिफिक वेरिफिकेशन के लिए या साइंटिफिक उसके एविडेंसेस के लिए इसी कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना कर दिया था। हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने एएसआई को बुलाया था और एएसआई ने उसमें ये जवाब लगाया था कि साहब इसकी कार्बन डेटिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, लेकिन तमाम तरह की डेटिंगें लगाई जा सकती हैं, तमाम तरह के ऑब्जर्वेशन किए जा सकते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो वजू खाना का हिस्सा है जिसमें शिवलिंग स्थित है, उस शिवलिंग और वजू खाने के हिस्से को या शिवलिंग को कोई भी नुकसान पहुंचे बगैर या उसको टच किए बगैर किया जा सकता है। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय शिवलिंग के साइंटिफिक एक्सकेवेशन को या साइंटिफिक सर्वे को मना कर दिया था, मतलब रोक लगा दी थी। रोक लगाते हुए कहा था कि हमें थोड़ा समय चाहिए, दोनों कमेटियों दोनों पार्टियों की तरफ से कोर्ट में कुछ उनको मांगना है। हालांकि उसको भी समय बीत चुका है, अगर करना चाहते तो बहुत जल्दी हो सकता था, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो कोर्ट का सिस्टम है या जुडिशल सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है, तीनों धराशायी हो चुके हैं। हमारे देश में अब आज की तारीख में रिफॉर्म की आवश्यकता है। हम बहुत पिछड़ चुके हैं और हम इतने पिछड़ चुके हैं कि इसको संभालने में भी अपने को 10 से 15 साल लगेंगे अगर आज काम करना शुरू कर कोई करना चाहेगा तो, और अगर काम करना नहीं चाहता है तब तक मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पहुँच चुकी होगी, संसार कहाँ पहुँच चुका होगा, देश कहाँ जा चुका होगा और फिर रिफॉर्म की गुंजाइश होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं। लेकिन हमारे देश में सिस्टम तो ऐसा ही है और सिस्टम से ही अपने को चलना पड़ता है और सिस्टम हमारे यहाँ का दागी भी है, सिस्टम हमारे यहाँ का त्रुटिपूर्ण भी है और सिस्टम हमारे यहाँ का थका हुआ भी है। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा देना और फिर इनकी प्लीडिंग आएगी, उनकी प्लीडिंग आएगी, इनका एफिडेविट आएगा, उनका काउंटर एफिडेविट आएगा, इनका रीजॉइंडर आएगा, उनका जॉइंडर आएगा, इनकी ये सब चलेगा और लंबे समय तक ये अटका रहेगा। फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा और कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर कुछ नया हो जाएगा। इसी बीच में सेम पार्टी जो कि शिवलिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसने कहा कि शिवलिंग वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, बाकी की जो दीवारें हैं, बाकी का जो परिसर है, अंडरग्राउंड है, नीचे का है, पेनिट्रेटिंग रडार वगैरह लगाकर नीचे पता कर लीजिए कि नीचे कोई स्ट्रक्चर है क्या, किसी स्ट्रक्चर को तोड़कर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, और जो दीवार बनी हुई है वो दीवार क्या वही है जो 1500 साल से, मतलब 500 साल 350 साल पहले का प्रकरण है, क्या ये दीवार 1500 साल पुरानी है। ये सब कुछ सर्वे करने के बाद पता लग जाएगा कि साहब वाकई में ये स्ट्रक्चर ओरिजिनल था या किसी स्ट्रक्चर को तोड़कर बनाया गया था, और इसकी जो आर्कोलॉजी है, इसका जो आर्किटेक्शन है, वो आर्किटेक्शन वाकई में उस समय सही, वो परिस्थिति को सही बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। आर्किटेक्शन के आधार पर परिस्थिति पता की जा सकती नहीं की जा सकती। हालांकि मुझे लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इससे कोई समस्या होने वाली नहीं थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाकी के सर्वे के लिए, चूंकि हाई कोर्ट शिवलिंग के सर्वे का ऑर्डर कर चुका था, इसलिए बाकी हिस्से के सर्वे के ऑर्डर एएसआई को दे दिए। एएसआई से कहा 4 अगस्त को हमारी अदालत में लगाइए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर्वे तो आज से शुरू होना था और सर्वे शुरू होने के लिए सुबह टीमें भी पहुंच गई थी, टीमें पहुंच गई, साइंटिफिक सर्वे शुरू हो जाता कुछ वो, और ये जो सिस्मिक रेज वगैरह छोड़नी होती हैं, मैं आपको बता दूं कि सिस्मिक रेज छोड़ी जाती हैं जो नीचे स्ट्रक्चर में टकराने के बाद बताती हैं कि वाकई में कोई स्ट्रक्चर नीचे है कि नहीं है, कि ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऊपर ही खड़ा है, और एएसआई को बहुत समय इसमें नहीं लगता ये पता करने में कि वाकई में क्या है। मैं पहले वाला जो सर्वे हुआ था वो पहले का सर्वे जो कमिश्नर के द्वारा करवाया, कमीशन बनाकर कराया गया था, वो लेमैन थे, वो वकील थे, लेकिन एएसआई तो एक बार चक्कर लगा लेगा, एक दिन का भी चक्कर लगा लेगा अपनी 20 25 30 40 की टीम को ले जाकर और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से वो करेगा, तो एक दिन में भी वो पता कर सकते थे कि वाकई में ओरिजिनली इसमें क्या है, लेकिन एक दिन का अवसर उनको मिलना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा रहा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगली स्टेप तो होती थी कि हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में आज पिटीशन लगाएंगे तो हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। हो सकता है कि हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई होती तो हाई कोर्ट उस पर स्टे दे देता और स्टे देने के बाद ये कहता कि हम पहले पूरी सुनवाई कर लें, फिर इसको रिव्यू कर लें, तब तक आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो भी टाइम है वो दे दीजिए।
मामला था कि ऑनरेबल जो जो कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली गई सीधी, क्योंकि अप्रोच उनके पास सुप्रीम कोर्ट में जाया है, नेशनल लेवल पर उनके पास बहुत सारे एक इकोसिस्टम बना रखा है, उस इकोसिस्टम के तहत वहाँ पर आसानी से पिटीशन डाली जा सकती है, स्टे भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुआ, उस आर्गूमेंट में उन्होंने कहा कि साहब जानबूझ कर शुक्रवार की शाम को ऑर्डर किया गया ताकि शनिवार और इतवार को कोर्ट बंद रहती है। मैं समझता हूँ कि अगर इस पर सोमवार से सर्वे होना था तो हमारे यहाँ तो कोर्ट रात में भी खोली जाती है, हमारे यहाँ तो कोर्ट छुट्टी वाले दिन भी बैठ जाती है, ये सब कुछ अगर करना चाहते तो हो ही जाता, लेकिन टाइम काटना अति आवश्यक था, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मेंशनिंग की गई, यानी कि आज उसमें मेंशनिंग की गई। और मेंशन करके, मेंशन में आपको बता दूं क्या होता है कि पिटीशन हम डाल नहीं पाए, केस हम फाइल नहीं कर पाए, लेकिन हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। मैं आपको आपको बता रहा हूँ, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये सामान्य वकीलों के भी बस की बात नहीं है, ये तो जिनका इकोसिस्टम स्ट्रांग है देश में वही केवल इस तरह की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और वो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई तो साहब सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी पिटीशन के सुन लिया गया। आज भी ऐसा ही मामला आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तीन जजों की बेंच बैठी हुई थी, उसके सामने ये आर्गूमेंट रखा गया कि साहब शुक्रवार को जानबूझ कर शुक्रवार को ये ऑर्डर किया गया, शनिवार इतवार को छुट्टी थी, आज से वहाँ सर्वे चालू हो गया, हमको बड़ी अदालत में जाने का समय ही नहीं मिला। यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम इसको अपील करना चाहते थे, हमें अपील करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए हमें अपील करने का अवसर दिया जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते समय तुषार मेहता साहब भी प्रेजेंट हुए थे, एएसआई के बारे में ये कहा गया कि एएसआई ने कहा कि अभी एक हफ्ते तक हम खुदाई करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय दे दिया जाए। एएसआई अभी वो कर नहीं सकती, हालांकि नीचे वाले कोर्ट ने, जो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एएसआई को बोला था कि 4 अगस्त तक हमारी अदालत में इसका प्रीमा फेसिए जो भी आप इसमें करके लाते हैं उसका सर्वे करने के बाद हमारी अदालत में जमा करिए कि आखिर स्थिति क्या है। और एक तरफ ये बताया गया कि एएसआई एक हफ्ते तक उसमें कोई खुदाई करने की स्थिति में नहीं थी या उसमें कोई सर्वे करने की स्थिति में, एक्सकेवेशन की स्थिति में नहीं थी। एएसआई एक हफ्ते तक एक्सकेवेशन की स्थिति में तो नहीं होगा, यानी कि खुदाई की स्थिति में तो नहीं होगा, लेकिन उनके पास जो मशीनरी होती हैं उनसे वो सीस्मिक रेज तो भेज सकते थे, उससे वो सर्वे करने के बाद ऊपर ऊपर फौरी फौरा तरह से जो आर्किटेक्चर है, कौन से काल का है, इसमें क्या दर्शित होता है, ये क्या है, वो तो वो बना ही सकते थे, और वो बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने कहा वो तो एक दिन में भी वो प्राइमरी फसाई सर्वे करके बना सकते थे कि साहब ये है, भले ही रिपोर्ट बनाने में उनको एक दिन लगता, लेकिन उनके पास इतनी स्पेशलाइज्ड टीम होती हैं कि वो कोई भी स्ट्रक्चर देखने के बाद तुरंत बता देते हैं ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। उनके पास मशीनरी सिस्टम भी इस प्रकार का होता है कि वो रेज वगैरह, सिस्मिक रेज वगैरह छोड़कर तुरंत बता देते कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कोई है। उनको एक हफ्ते बाद, अगर उनको उसके आगे बढ़ना होता तो उन्होंने कहा होगा कि एक हफ्ते का हमें टाइम चाहिए, एक हफ्ते बाद हम वहाँ मशीनें ये पता करेंगे कि स्ट्रक्चर नुकसान भी ना पहुँचे, ये वैसा का वैसे ही बना रहे और नीचे की खुदाइयां अगर होनी है तो कर लें, बाकी का हिस्सा समझ लें, अंडरग्राउंड जो उसका तहखाना है वो तहखाने में आज भी पूजा पाठ होता है, वो कब्जे में है किसी के, वो हिंदू के, वो देख लिया जाए, ये सब कुछ मुझे लगता है कहा गया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस प्रकार की बात आई कि एएसआई भी एक हफ्ते तक सर्वे की स्थिति में, खुदाई की स्थिति में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख की शाम को 5 बजे तक इस पर स्टे लगा दिया। और 26 तारीख की शाम 5 बजे तक उन्होंने कहा हाई कोर्ट में जाने का अवसर देना हमारा कर्तव्य बनता है, कोई भी पार्टी हाई कोर्ट में कोई भी ऑर्डर अगर होता है और वो ऑर्डर अगर किसी को चैलेंज करना है तो इतना समय तो देना ही चाहिए कि वो हाई कोर्ट या बड़ी अदालत में चैलेंज कर सके। इसलिए 26 तारीख तक बड़ी अदालत में चैलेंज करने के उद्देश्य से अभी 26 तारीख तक उस पर स्टे लगाया जाता है। 26 तारीख की शाम को 5 बजे तक का स्टे है और ये पार्टी अगर हाई कोर्ट ना पहुंची तो फिर 26 तारीख के 5 बजे के बाद फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर लागू हो जाएगा और वहां पर सर्वे किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट जैसा उसमें उचित समझता है वैसा अगर वो स्टे देता है, नहीं देता है, करता है नहीं करता, वो हाई कोर्ट तय करेगा, लेकिन इनको हाई कोर्ट पहुंचने का अवसर दिया जाना है। इसको ऑडी अल्टरम पार्टम कहा जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी सिस्टम के खिलाफ तब तक ऑर्डर नहीं किया जा सकता जब तक उसकी सुनवाई ना कर ली जाए। मुझे लगता है कि नीचे वाले कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई होती ही रही थी, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बात बताई थी, उसके बाद ही सर्वे का ऑर्डर किया गया था। और हमारे देश का जो इकोसिस्टम है वो कुछ है इस प्रकार का है कि अगर कोर्ट में कोई बात डिसाइड कर दी गई है एक बार
तो सिविल के मामले में जैसे मैंने कहा रिफॉर्म की आवश्यकता है, सिविल के मामले में कोई दूसरा पॉइंट लेकर चले आए, तीसरा पॉइंट लेकर चले आए, चारों फाइलें वो हो गई, फाइल इतनी मोटी हो जाती है, फिर उसके बाद बड़ा कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू, फिर इस कोर्ट में रिव्यू, फिर नया मैटर लेकर, और ये सिविल के मामले इसी चक्कर में 20-20 साल अटके रहते हैं। आप सोचिए कि जब पहले सर्वे की बात कही गई थी कि भाई कमीशन बनाकर सर्वे कर दिया जाए, तो उस सर्वे को जब नीचे वाली कोर्ट ने अपॉइंट अलॉट किया था, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद सर्वे परमिट कर दिया था, हाई कोर्ट ने भी सर्वे परमिट कर दिया था और उसमें सर्वे हो गया था, तो अब उसी विषय पर केवल उसका एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब वेरिफिकेशन करने के उद्देश्य से उसका साइंटिफिक सर्वे क्यों नहीं हो किया जा सकता। जब अगर सामान्य सर्वे हो सकता है तो उसके स्पेशलिस्टों के द्वारा भी सर्वे, कोई बड़ा उसमें लीगल पॉइंट तो बीच में मुझे नहीं लगता कि आता होगा, लेकिन बात हमारे यहाँ की यह है कि हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो अभी रिफॉर्म मांग रहा है, वो उसमें अब बहुत स्पीडी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, और न्याय के नाम पर कि भाई न्याय हम करेंगे चाहे भले ही लेट हो जाएं, तो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलाइट का फॉर्मूला वहां समाप्त हो जाता है जहां पर जस्टिस रिक्वायर्ड प्रॉपर टाइम फॉर एंड ऑफ जस्टिस, ये फॉर्मूला आ जाता है तो फिर मुझे लगता है समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन जब पैरिटी के आधार पर कोई बात हो कि पुराना वाला सर्वे था उसका एक्सटेंडेड फॉर्म केवल है, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे खोले जाने चाहिए या बार बार इन मामलों को वहां तक ले जाया जाना चाहिए या अनुमति भी दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये विषय बहुत गंभीर है हमारे देश में, इसमें काम करने की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कौन उस पर इनिशिएट करेगा, वो कौन सा बुद्धिजीवी होगा जो इस विषय पर काम करना शुरू करेगा या करवाना शुरू करेगा, इसका तो अभी हम सबको इंतज़ार है। लेकिन फिलहाल 26 तारीख की शाम की 5 बजे तक इस पर स्टे कर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।